तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अहुकाना की ओर, जो मतलब शाही किले से कुछ 10 किलोमीटर दूर है। हमें लोकेशन दिखा रहा है कि अहुकाना के पास हम पहुंच गए हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये थोड़ा सा मतलब आउट सिटी का एरिया है। अहुकाना तो तुम बड़े भाई पीछे छोड़ के आए, यहाँ से वापस जाओ। हाँ। सीधे टनलिंग आएंगी जैसे, ऐसे जाने की तो उधर मत जाना, ऐसा अंदर घुसाना, अंदर ऐसा इधर से ऐसे अपन जाते ना, ऐसा अंदर घुसाना उधर। अच्छा, जो नया गन्ना पेरा है वो गऊ पेरा है, गऊ वो टुकड़े में, वो गऊ के बाजू में से घुसाना गाड़ी। ये रास्ता है, ये छोटा सा रास्ता देखिए आप, वो दिखाई दिया दूर से। ये बहुत बड़ा एरिया है, चारों तरफ पूरा कंपाउंड बना है, मतलब उन्होंने कंपाउंड बना लिया था, ताजमहल बनना बाकी था। ये देखिए पूरा, ये जो ये आप देख रहे हैं वॉल कंपाउंड, ये पूरा चारों तरफ है पूरा। और ये पहले कंपाउंड बना लिया गया था और ताजमहल का काम बस चालू होने वाला था, लेकिन काम रोक दिया गया। अब कैसे मुमताज की मौत के बाद उन्हें, मुमताज को जहाँ दफनाया जा सके, वो जो जगह थी, वो जो वास्तु थी, वो जो कब्र थी, वो उन्हें जल्दी बनानी थी। और यहाँ पर देखिए आप, उन्होंने मतलब वॉल का पूरा काम कर दिया था। और ये जो जगह है, यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है ना, यहाँ पर मतलब पास में कोई नदी है जिसके ज़रिए मतलब सामान जो है वो ईज़िली यहाँ पर लाया जा सके, क्योंकि बहुत सामान लगा था बनाने के लिए। तो ये पहला रीज़न था। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन्हें आगरा में एक रेडीमेड मतलब पहले से ही एक बड़ा विशाल उन्हें स्ट्रक्चर मिल गया था तेजो महालय का। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि वहाँ पर एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है, ग्रेव जल्दी भी बनानी है, तो इसलिए उसी को मॉडिफाई करके हम जल्दी से बना लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसी को मॉडिफाई किया और जल्दी से जल्दी ताजमहल का जो आज हम रूप देखते हैं वो रूप तैयार कर दिया। और उसके बाद यहाँ से मुमताज की कब्र, मुमताज के जो मतलब जो कुछ भी थे उसके अवशेष, वो निकाल कर उसे आगरा लेके गए।
अभी हम देखे थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे, उस समय का स्विमिंग पूल और वो भी इतना बड़ा कि देखिए आप, ये देखिए, ये पूरा ऐसा, ये पूरा ये स्विमिंग पूल है और ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता था और इसमें जो पानी आता था वो 30 किलोमीटर दूर से आता था और ये जब ये पूरा ओवरफ्लो होता था तो ओवरफ्लो होने के बाद पानी इधर आता था। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये एक नहर जैसी, नाले जैसी एक बनी है यहाँ पर, ये पानी ऐसा इधर आता था। तो ऐसा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह मतलब अच्छी है। और देखिए यहाँ से हम जो कंपाउंड है इसका, ये पूरा देख सकते हैं, देखिए पूरा ऐसा बना है। चलिए इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए पूरा ऐसा वो गेट है जहाँ से हमने एंट्री की, ये देखिए पूरा ऐसा कंपाउंड दूर दूर तक। वो देखिए वो वहाँ तक है कंपाउंड, वो ऐसा पूरा रैंप देखिए स्विमिंग पूल में, आज के स्विमिंग पूल में जैसे रैंप होते हैं ठीक वैसा रैंप। एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ अच्छी है हमें उसे मतलब प्रेस करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हिसाब से आप देखिए कितना अमेजिंग है। लाइट नहीं होती थी तो आप देखिए कमरे में मतलब 1, 2, 3, 4 से बहुत सी जगह है जहाँ पर दिए या फिर मशाल ऐसी चीजें रखी जाती थी लाइट्स के लिए। बुरानपुर जो था मुगलों का मतलब एक तरफ से एक गढ़ था, क्योंकि बुरहानपुर दक्खन का एक मतलब प्रवेश द्वार था। जिस राजा का कंट्रोल बुरहानपुर पे होता था पूरा दक्खन उसी राजा के हाथ में था, इसीलिए बुरहानपुर उस समय के लिहाज से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी सिटी थी। इसीलिए हर कोई राजा मतलब बुरहानपुर पर अपना राज चाहता था, अपना कब्जा चाहता था। यहाँ पर शायद ताजमहल होता लेकिन अभी नहीं है, अभी सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर है, एक ये और एक वो सामने वाला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगला जो वीडियो है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ऐसा कभी लग रहा है कि हमारी कोशिश जो है वो मतलब अच्छी है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो। उससे होता यह है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, ज़्यादा व्यूज आता है और अल्टीमेटली हम मतलब हमें इंस्पिरेशन मिलती है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक किया करो यार वीडियो।